अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा मिर्चे। इनफैक्ट मैं तो इसे ये कहती हूँ मिर्चों का अचार। बहुत ही इजी क्विक है और बहुत ही चटपटा और मज़ेदार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचार बनाते हैं आज का। चलिए, ये है तकरीबन 100 ग्राम मोटे मिर्चे, लेस स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी वाले नहीं है, कम स्पाइसी वाले हैं। इसके लिए लाइट कलर के, ग्रीन कलर के हैं, आप लाइट ही लीजिएगा। आप चाहें तो मोटे मिर्चे लें, आप चाहें तो पतले मिर्चे भी ले सकते हैं, लेकिन डार्क वाले कलर के मत लीजिएगा। अब इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और किचन टॉवल की मदद से इसे एक एक को मैंने पोंछ लिया। अब पोंछना बहुत ज़रूरी है इसमें। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सबसे पहले तो बीच में से एक एक लेके इन्हें स्लिट मारती हूँ। अच्छा, मैं एक इससे पहले एक और स्टेप बता देती हूँ। स्लिट मारने से पहले ना, आप थोड़ा सा तेल लीजिए, नॉर्मल जो भी खाना पकाने वाला आपका तेल हो उसे थोड़ा सा हाथ में डालिए और उसे बहुत अच्छे से हाथों में मसल लीजिए। ऐसा करने से ना आपके जो हाथों में जलन है ना, ये मिर्ची काटने से बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप ग्लव्स पहन के कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिना ग्लव्स के मेरे जैसा कर रहे हैं, हाथों से ही कर रहे हैं, तो तेल लगा लीजिएगा। हाँ, चलिए, एक स्लिट मार लिया आपने, ये देखिए। अब इसके अंदर जो ये आप देख सकते हैं बिज्जे, और ये सारा अंदर का है। अब मैं तो, मेरी आदत है मैं उंगलियों से ही निकाल लेती हूँ। अब आप चाहें तो छुरी की मदद से निकालें, या फिर आप चम्मच से, छोटी चम्मच लें और उसे अंदर से इस तरीके से खुरचते जाइए, चम्मच को खुरचते जाइए, तो अंदर से ये सारा निकल जाएगा और ये सारे बिज्जे निकल जाएंगे और इस तरीके से खाली हो जाएगी। इसी तरीके से सारी हमारी मिर्चियों को स्लिट मारते जाएं और अंदर से सारे बिज्जे और सारा निकाल कर इन्हें साइड पर रखते जाएं। चलिए, सारे बिज्जे मैंने निकाल लिए हैं, अब ये बिज्जों को फेंक दीजिए और हमारी जो ये मोटे मिर्च हैं इनके अंदर के सारे बिज्जे निकल चुके हैं और वो खाली हो चुकी है अंदर से। अब एक प्लेट लीजिए या बाउल ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 टेबल स्पून भुना और दरदरा पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच भर कर चाट मसाला डालिए और इसे बहुत अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे दोनों मिक्स हो जाएं, एक मिर्ची लीजिए, बीच में से इस तरीके से खोल लीजिए और ये जो हमने मसाला बनाया है सिंपल सा और क्विक सा, इसे डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भरिए, ये देखिए इस तरीके से मैं दबाकर भर रही हूँ। बहुत पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, ज़्यादा ज़्यादा भी एकदम फुल नहीं भर देना है। मैं थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से डाल रही हूँ। ऐसा भरना है कि थोड़ा सा आपके जो मसाला है ना बच जाए, तो हम ऊपर से भी डालेंगे ना। इसी तरीके से सारों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा डालकर भर लीजिए और साइड पर रखते जाएं। चलिए, अब हम इन मिर्चों को फ्राई करने की बारी आ गई है। फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अगर आप वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मिर्ची डाल दीजिएगा, बट मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं सरसों से। अगर आप अचार के अंदर, हम अचार के अंदर तो सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सरसों डाल रही हूँ, बट उसका एक तरीका है। आप सबसे पहले तो फास्ट आँच पर उसको अच्छा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा भी चलाइएगा मत। हल्का सा धुआं आने लगे तो चूल्हा कर दीजिए बंद। अब उसी समय आप मिर्ची मत डालिएगा, नहीं तो मिर्ची जलेंगे और मिर्ची के अंदर से जो थोड़ा मसाला निकलेगा वो भी जल जाएगा। तो जब आप बंद कर दें, उसके थोड़े टाइम के बाद जब अच्छा थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए इसका टेम्परेचर, तब मोटे मिर्चे हमारे डाल दीजिए। ये देखिए, कुछ देर के बाद मैं मिर्चे डाल रही हूँ और उसके बाद चूल्हा चालू किया और मीडियम आंच कर दिया। अब 1.5 से 2 मिनट तक ये मिर्चों को मीडियम आंच पर पकने दीजिए, उलट पलट करते जाए और स्पॉट्स, लाइट जो स्पॉट्स आए चारों ओर से वो दिला दें। अच्छा, मेन ये है कि ये वाले मिर्चे है ना कच्चे पक्के ही अच्छी लगती है, खाने में क्रंची क्रंची होती है तो बहुत मजा आता है, बट आप चाहें तो पूरी तरीके से पका सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि आप चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और ये मिर्ची डालने के बाद इन्हें बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक पका ले। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो आंच करके ढक कर 3-4 मिनट पकने दीजिए। अच्छा, आपने देखा अभी मैंने चूल्हा स्लो आंच किया है, मैंने 1 मिनट पे के बाद चूल्हा स्लो कर दिया और अब मैं और 0.5 मिनट तक बार बार चलाते हुए पका रही हूँ। टोटल 1.5 मिनट होने के बाद मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब जो मसाला लेफ्ट ओवर वाला है उसको यहाँ बीच में स्पेस करके डाल दीजिए और एक बार क्विकली चला लीजिए। हाँ, इस तरीके से। अब जब क्विकली मिक्स हो जाए तो चारों ओर फैलाते हुए हमारे मिर्चों के साथ मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये पूरे प्रोसीजर को बंद चूल्हे में ही करना है, नहीं तो हमारा मसाला जल सकता है। चलिए, तकरीबन 10-20 सेकंड में ये हो जाता है चूल्हा बंद के अंदर ये प्रोसीजर, तो इसे निकाल लीजिए एक बाउल के अंदर और सर्व कीजिए।
तो ये बन गया हमारे मज़ेदार से चटपटे से डिलीशियस मोटे मिर्चे। मैं तो मिर्चों का अचार कहती हूँ, कभी कभी भरवा मिर्चे भी कह लेती हूँ इसे। है ना मज़ेदार और क्विक? तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो को लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंशुल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।